हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं ऋषिकेश डायनेमिक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था त्रिकोणमिति, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती है जिसे प्रथम बार अध्ययन किया जाता है। तो मैंने कुछ बेसिक जानकारियां दी थी और 3 निष्पत्तियां के बारे में बताया था। ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, इसमें हम लोग पढ़े थे कि 6 निष्पत्तियां होती है। अब 6 निष्पत्तियां क्या होती है, तो मैंने पढ़ लिया था पहले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए। सनम क्या है, तो प्यार है, तो पी बटा एच। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बाबू कॉस थीटा बराबर क्या है, कुर्सी बेकार है, तो पी बटा एच। उसके बाद क्या पढ़े थे, टेन थीटा, उसमें हम पढ़े थे तेरे प्यार बिना, तो बी बटा P बटा बी। ठीक है, अब इसी का उल्टा क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, इसका उल्टा होता है कुछ इसके ही निष्पत्तियां, तो आप लोग उल्टा करके चलिएगा। साइन के उल्टा होता है कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा होता है सेक, और टेन के उल्टा होता है बाबू कॉट। ठीक है, सब में थीटा लगा दीजिए, तीनों का फॉर्मूला। अब यहां से देखिए, इसको केवल उलट दीजिए, p बटा s था तो h बटा p कीजिए, यहां b बटा s था तो h बटा b कीजिए, यहां p बटा b था तो b बटा p कीजिए। बस इतना ही तो था, इससे तो पूरा मैथ बनता है। आपको यह याद करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक छोटी सी बहुत ही मजेदार ट्रिक बताया था एक गाना के माध्यम से। सनम प्यार है, कुर्सी बेकार है, तेरे प्यार बिना। और इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखें, ताकि बहुत दिनों तक याद रहे। आपको मैं बता देता हूँ कि 10th क्लास में पढ़ने के बाद आपको 11th 12th जब तक आप मैथ पढ़िएगा, त्रिकोणमिति आपके साथ नहीं छोड़ेगी, और ये ट्रिक हमेशा आपको याद रखना होगा। अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन बहुत ही मजेदार बनाने के लिए मैं सोचा कि चलो कुछ आपके अनुसार एकदम आपकी लैंग्वेज में मैं पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। और मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास पढ़ाता था, पहली बार मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है ये कोविड-19 के चलते। और दोस्तों, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जब आप लोग पढ़ें तो उस टाइम जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते थे उसी तरह से पढ़िए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और जहां समझ में नहीं आता है, उस चीज को आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर वहां से नहीं, तो फिर से एक बार उसको वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके फिर से एक बार प्ले करके देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल का नाम है डायनेमिक कोचिंग सेंटर। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का आइकन आता है जिसे बेल आइकन कहा जाता है, उसे एक बार प्रेस कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो सारी वीडियो अपलोड करूंगा। जब जब मैं वीडियो डालूंगा, तो वह वीडियो आपके पास मैसेज के रूप में तुरंत चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर ने वीडियो डाला। ठीक है, तो एक छोटी सी मेरी कोशिश रही है, ताकि आप लोग इस छुट्टी के दिनों में भी आपकी सिलेबस पीछे ना हो, और उसको ध्यान रखते हुए हमारी पूरी डायनेमिक टीम ने ये पहल किया कि एक वीडियो स्टार्ट किया जाए। समझ गए, और आप लोग बस रहिए घर में ही रहिए, और घर में रहते रहते आप लोग मैथ की मस्ती को एकदम जब जोरदार बनाइए, मजेदार बनाइए, और खुद से पढ़िए। और जैसा कि आप लोगों को मार्गदर्शन देने की जहां तक जरूरत थी, मैं अथक प्रयास कर रहा हूं, और इसमें आप लोगों को बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छे देश है चीन, हेल्थ के मामले में वहां हॉस्पिटल्स अच्छी हैं, इटली में बहुत अच्छी हॉस्पिटल्स हैं, अमेरिका में जो कि सर्वोपरि कहा जाता है विश्व का देश है, फिर भी वहां ये महामारी इस तरह से फैले हुए हैं कि मानो इस तरह लग रहा है कि कहीं से ये महामारी की बाढ़ चली आ रही है, और लोग धीरे धीरे उस बाढ़ की चपेट में आते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे अगर आपको बचना है, तो आपको घर में ही रहना होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी पहल, जितना समय आप घर में रहिएगा,
उतना ज्यादा कोरोना आपसे डरेगा, और जितना ज्यादा आप बाहर निकलिएगा कोरोना आपको उतना ज्यादा डराएगा। तो अच्छा क्या है आप खुद समझ सकते हैं। धन्यवाद।